तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में, जिन लोगों के भी दूर के और पास के दोनों नंबर होते हैं, या तो वो बाइफोकल लेंस में जा सकते हैं या प्रोग्रेसिव लेंस में जा सकते हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, तो आइए देखते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पुपुलरी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना, जिसे हम PD मेजरमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हम फिटिंग हाइट को भी मेज़र करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिमलेस फ्रेम में हमने PD मेज़रमेंट कर लिया है। ये एक प्रोग्रेसिव लेंस है राइट आई का, और एक दूसरे वाला लेफ्ट आई का है, जिसमें राइट और लेफ्ट आई के ग्लास सेपरेट होते हैं। इस पे हमने PD मेज़रमेंट कर लिया है फ्रेम पे। प्रोग्रेसिव लेंस में आपको डिस्टेंस के और नियर के दोनों नंबर देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक इंटरमीडिएट पावर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि बाइफोकल में आपको सिर्फ डिस्टेंस और नियर मिलता है, और इंटरमीडिएट हम देखते हैं तो ब्लर हो जाता है। अब देख सकते हैं, अब हम इस प्लायर की हेल्प से रिमलेस को डिसेंबल कर रहे हैं। पहले हम टेम्पल साइड से इसे पुश करके, इसमें नेल टाइप के दो होते हैं जो रिपीट से खोलने में हेल्प करते हैं, इसे हम एक एक करके चारों तरफ से डिसेंबल कर लेंगे, जो कि डेमो ग्लास पे जो हमने PD मेज़रमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग हम ग्लास में मार्किंग कर सकेंगे। रिमलेस फ्रेम को हमने पूरा डिसेंबल कर लिया है। अब डेमो ग्लास को प्रोग्रेसिव लेंस पे रख के चारों तरफ से मार्किंग कर लेंगे PD के अकॉर्डिंग। ये मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लेफ्ट आई के ग्लास को भी डेमो ग्लास के हेल्प से चारों साइड मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हमारा दोनों ग्लास पे मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम कटर मशीन पे काटेंगे। आइए देखते हैं। लेंस पे जो हमने मार्किंग किया था उसी के अकॉर्डिंग हम ग्लास को चारों साइड से कट कर लेंगे, उसे एक प्रॉपर शेप दे देंगे। लेंस को कटिंग प्रोसेस करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारा लेंस पे ड्रिलिंग करने का। लेंस पे ड्रिल करते वक्त हमें बहुत बातों का ध्यान देना पड़ता है। जहाँ पे हम मार्किंग किए हैं होल वहीं पे हो, उससे हमारा क्या होता है, फ्रेम का शेप प्रॉपर बैठता है और अलाइनमेंट भी फ्रेम का प्रॉपर आता है। अगर हम होल अगर आगे पीछे कर देंगे तो फिर इसका प्रॉपर शेप भी नहीं आ पाएगा और फ्रेम अलाइनमेंट भी नहीं हो पाएगा। लेंस पे ड्रिलिंग वर्क कंप्लीट करने के बाद हमने रिपीट को पहले से ही काट के रखा है। अब उसे हम लेंस में रिपीट को लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद फ्रेम के पार्ट को हम उस रिपीट में लगा करके और प्लायर की हेल्प से हमें पूरा पुश कर देंगे। अब हम दूसरे साइड भी रिपीट लगा करके उसमें फ्रेम का पार्ट को लगा के रिपीट में प्लायर से पूरा पुश कर देंगे, और उसका हम अलाइनमेंट भी चेक कर लेंगे कि फ्रेम प्रॉपर सीधा आ रहा है कि नहीं, उसका शेप प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। अब हम टेम्पल वाले पार्ट को भी एक एक करके रिपीट में घुसाएंगे और प्लायर से पुश कर देंगे। उसके बाद ये जो आप अभी लेंस पे आपको मार्किंग सा नज़र आ रहा होगा, उसे हम फिट करने के बाद उसे हम इरेज कर देंगे, तो कहीं से पता भी नहीं चलेगा कि डिस्टेंस और नियर का पावर इसमें है। हमारा फिटिंग वर्क कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।